वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने बात किया था कि जो हार्ट अटैक क्या होता है और हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, हार्ट अटैक आता कैसे है और हार्ट अटैक में जो है हमारी आर्टरीज ब्लॉक कैसे हो जाती है, इन सब के बारे में हमने पूरा डिटेल में जो है डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से फूड्स होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करना चाहिए प्रिवेंट टू हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक से बचने के लिए, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। जैसे अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है कि हमें कभी हार्ट अटैक ना आए, या फिर हार्ट अटैक आया है तो उस समय हमें कौन कौन से सब्सटेंस का यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से फूड्स का, कौन कौन से वेजिटेबल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट अटैक आया है, अगर हम इधर उधर की चीज़ें खाएंगे तो वो हमारा हार्ट अटैक जल्दी ठीक नहीं होगा। और मतलब हार्ट अटैक एक बार आता है, ब्लॉकेज हो गई है आर्टरीज की, उसके बाद उस ब्लॉकेज को, जब ब्लॉकेज हो जाती है उसका ट्रीटमेंट होने के बाद हार्ट तो हमारा वीक हो ही चुका है, तो उससे बचने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल और सीड्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा हम जो है अपने आप को, अपने हार्ट को और ज़्यादा हेल्थी रख सकते हैं। अगर हार्ट अटैक के बीच में, मतलब जैसे हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है, उसका ट्रीटमेंट करा के, जैसे कोई बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं हार्ट अटैक, उसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का हार्ट अटैक आया है। तो हार्ट अटैक आया, ट्रीटमेंट हो चुका है, दवाई तो लाइफ टाइम चलेगी जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक के लिए, तो उस समय, उस पीरियड में हमें कौन कौन से सब्सटेंस का यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से चीज़ें लेनी चाहिए, कौन कौन से वेजिटेबल या फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा हार्ट जो है धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग बनता जाए। जैसे हमें ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल का ही यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादातर पत्तीदार सब्जी ही खानी चाहिए, और होल ग्रेन में जैसे आ गया चना आ गया, या फिर जो है सोयाबीन की जो छोटी छोटी सीड होती हैं उनका यूज़ करना चाहिए, और भी बहुत सारे सीड्स होते हैं जिनका हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे कुकुम्बर का, वाटर गार्ड का, मतलब अलग अलग कद्दू, कहीं अलग अलग, मतलब जो है वेजिटेबल का क्या करना चाहिए, हमें सीड्स यूज़ करने चाहिए। बेरीज में जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, बेरीज में हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए अगर हमें हार्ट अटैक आया उस कंडीशन में। और एवोकाडोस का यूज़ करना चाहिए, वॉलनट का यूज़ करना चाहिए, बीन्स का यूज़ करना चाहिए, और डार्क चॉकलेट ही खानी चाहिए अगर खाने का मन हो तो, और टोमेटो का यूज़ करना चाहिए, आलमंड का यूज़ करना चाहिए, सीड्स का यूज़ करना चाहिए, गार्लिक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हमें हार्ट अटैक आया है, ट्रीटमेंट हमारी चल रही है तो उस समय हमें क्या, किसका यूज़ करना चाहिए, गार्लिक का। वैसे ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूज़ जो है हम अपने डेली लाइफ स्टाइल में कर सकते हैं, जिससे लाइफ में हमें कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर हम कोई ऑयल यूज़ करें, वैसे तो हार्ट अटैक के समय ज़्यादातर ऑयली सब्सटेंस नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी ऑयल तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, बट अगर हम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करें, ऑयली ऑयल का यूज़ करना चाहिए। ग्रीन टी, अगर हमें चाय पीने का मन हो तो हम किसका यूज़ करें, ग्रीन टी। तो ये कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनका हम यूज़ जो है हार्ट अटैक के समय कर सकते हैं, मतलब जब हमारा हार्ट अटैक आया है, हमारी ट्रीटमेंट चल रही है उस समय कर सकते हैं, या ये कुछ ऐसे फूड्स और ऐसे वेजिटेबल हैं जिनका यूज़ हम अपने डेली लाइफ स्टाइल में करेंगे तो कभी भी हमें हार्ट अटैक से रिलेटेड, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। क्योंकि अगर हमें कोई भी डिजीज़ होती है तो किस पे होती, हमारे लाइफ स्टाइल चेंजिंग, मतलब हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है इस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं डेली जो है ज़्यादातर जो है कोई भी अगर सब्जी खाए तो उसमें ऑयल बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होता है, तो जितना हो सके हमें ऑयल को अवॉइड कर देना चाहिए, और इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए कि हमारी बॉडी में, मतलब हार्ट हमारा बहुत ही तेज पंप करे, जितना फास्ट सर्कुलेशन होगा, जितना तेज हमारा हार्ट पंप करेगा उतनी ही तेज से ब्लड का फ्लो हो रहा है, जितनी तेज ब्लड का फ्लो होगा आर्टरीज और वीन्स में ब्लड क्या हो रहा है, बहुत फास्ट फ्लो हो रहा है, तो ब्लॉकेज के चांसेस होंगे ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक डेली करना चाहिए और ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हमें डेली क्या करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, रन करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, दौड़ने से क्या होगा, बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट सर्कुलेशन होगा, जितना ज़्यादा फास्ट सर्कुलेशन होगा उतनी तेज ब्लड का फ्लो हो रहा है, जब ब्लड का फ्लो फास्ट होगा तो ब्लॉकेज के चांसेस ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे। सिर्फ हार्ट से रिलेटेड डिजीज नहीं, बाकी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं होगी अगर हम अपने बैलेंस डाइट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लेंगे और डेली एक्सरसाइज और योगा करेंगे, डेली वॉक करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें कभी भी लाइफ टाइम में, लाइफ
कभी भी कोई भी डिजीज नहीं होगी। अब हमें किस किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? सुगरी फूड, मतलब ऐसे फूड का यूज नहीं करना चाहिए जिसमें चीनी एक्सेस अमाउंट में हो। चीनी का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए अपने लाइफ टाइम। कभी मन किया महीने में दो महीने में चाय पी लेना चाहिए, नहीं तो चाय नहीं पीना चाहिए। उसमें जो चीनी होता है वो चीनी बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में उसको चेंज किया जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन रह ही नहीं जाता है। जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो उसको खाने से कोई भी मतलब नहीं है। तो चीनी को हो सके तो बिल्कुल अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी डेली रूटीन में अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज वाइट ब्रेड। ब्राउन ब्रेड भी आता है, वाइट ब्रेड आता है। तो जो वाइट ब्रेड आता है वो मैदे का बनता है, उस ब्रेड को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, उसको बिल्कुल अवॉइड ही कर देना चाहिए। अगर कभी मन किया तो ब्राउन ब्रेड का यूज कर लो, नहीं तो ब्रेड ही नहीं खाना चाहिए, सबको अवॉइड कर दो। नेक्स्ट इज फ्राइड फूड। कुछ डेली कुछ लोग होते हैं डेली बाहर के स्ट्रीट फूड का यूज़ करते हैं, डेली घर में कुछ ना कुछ बना के खाते पीते रहते हैं, तो वो सब चीज़ अवॉइड कर देनी चाहिए। खाओ बट महीने में एक दिन, महीने में 5 दिन, मतलब डिसाइड कर लो कि हम हफ्ते में 1 दिन बना के खाएंगे या हफ्ते में 2 दिन, ये सब डिसाइड कर लो। लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा अगर हमें जो है बिल्कुल हेल्थी और हैप्पी लाइफस्टाइल जीना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को, अपने लाइफस्टाइल, अपने डेली रूटीन को चेंज करना होगा। नेक्स्ट इज फास्ट फूड का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। हमने हार्ट अटैक के बारे में जब डिस्कस किया तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो वो लोग ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल बहुत ही ख़राब ऑयल होता है, जो जाके धीरे 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 हमारे आर्टरीज में जम जाता है और इसी की वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट इज अल्कोहल। बहुत लोग होते अल्कोहल से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज सॉल्ट, मतलब सॉल्ट तो हम यूज़ करें बट एक्सेस अमाउंट में नहीं। कुछ लोग होते हैं सब्जी में या कोई भी डिश बनती है उनके घर में तो उनको नमक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो नमक एक अमाउंट होता है, एक लिमिट होती है, उसी लिमिट में, उसी अमाउंट में हमें सॉल्ट का यूज़ करना चाहिए। मतलब 3 वाइट चीज़ होती है जो बहुत नुकसान करती हैं। एक तो हो गया चीनी, दूसरा हो गया मैदा, तीसरा हो गया नमक। ये तीनों ही सफ़ेद होते हैं, तीनों ही समझ लो एक प्रकार का जहर होता है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है हमारी बॉडी में, जाके कोई भी काम नहीं करता, प्रोटीन कुछ नहीं से मिलता है और नुकसान ऊपर से करता है। तो अगर हमें अपनी मतलब खुद को हेल्थी रखना हो, हैप्पी रखना हो, तो क्या करना पड़ेगा, अपने डेली रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, जिससे हम जो हर बीमारी से, सिर्फ हार्ट अटैक से ही नहीं, हर एक बीमारी से, हर एक डिजीज से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, सिर्फ क्या करके, अपने लाइफस्टाइल को, अपने डेली रूटीन को। अपने डेली रूटीन में हम एक्सरसाइज को शामिल कर लें, योगा करें प्रॉपर तरीके से, वॉक करें, रन करें, और आउटडोर गेम खेलें जितना हो सके, और जितना हो सके हैप्पी रहें। तो ये सारी चीज़ें करके हम अलग अलग डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारी लाइफ स्टाइल एक हैप्पी लाइफ स्टाइल हो जाएगी और हमारा लाइफ स्टाइल भी मतलब आगे बढ़ ही जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कम नहीं होगा। अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो हमारी एज भी नहीं होगी, उससे पहले ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ऐसी अपनी हैप्पी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डेली रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को उतना ही ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चल जाए कि हमें डेली रूटीन को मतलब कैसे फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ताकि उनकी भी लाइफ स्टाइल एक हैप्पी और हेल्थी लाइफ स्टाइल हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो उतना से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।